हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक भी है, मेजर हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक भी है। डॉक्टर साहब, ये सारे पाकिस्तानी और चीनी यहाँ पे हैं, पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है आरजू, पाकिस्तान में भी क्या हालत है आप जानते हैं। डॉक्टर साहब, इन्होंने क्या किया, कोरोना के सारे पेशेंट को पीओके में धकेल दिया। पीओके में इसलिए धकेल दिया क्योंकि इन्हें पीओके से प्यार नहीं, ये जानते हैं एक दिन पीओके इनके हाथ से जाएगा। आप बताइए इनको जरा डॉक्टर साहब कि कोरोना कैसी बीमारी है, उससे निपटे, प्लेन ना उड़ाएं, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, वो मांगना पड़ेगा फिर मिडल ईस्ट से। सही बता रहा हूं, गिर जाएगा उड़ते उड़ते। देखिए मैं ये बताना चाहूंगा, मैं एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट ये बताना चाहूंगा, पूरा विश्व का ध्यान केवल कोरोना से लड़ने की तरफ है, कोई भी व्यक्ति इधर उधर की नहीं सोच रहा, सारे विश्व के लोग जो हैं, जबकि जो दुश्मन देश भी हैं वो भी एक दूसरे के साथ हाथ मिला के जो है वो कह रहे हैं आपस में लड़ाई बाद में करेंगे, पहले कोरोना को देखेंगे। हर व्यक्ति इस वक्त कोरोना के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि यही एक दुश्मन है सबसे बड़ा। और मैं एक चीज बता दूं कि हमारी दो ही टांगे हैं, एक हेल्थ की और एक इकोनॉमी की। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, पाकिस्तान की दोनों टांगे बहुत कमजोर हैं, और अगर तीसरी टांग आ गई तो वहां के आवाम का क्या होगा। एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट आई एम कंसर्न, इस वक्त मैं एडवाइस करना चाहूंगा कि आप अपने डॉक्टरों को कहें हमारे डॉक्टर्स के साथ वेबिनार्स करें, सिंपोजियम करें, आइडिया पॉलिनेशन करें कि हम कैसे कोरोना के साथ फाइट करें, कैसे वैक्सीन। बिल्कुल डॉक्टर रवि मलिक।